बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल स्पीक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। फ्रेंड्स, कराची समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और आगे मानसून की बारिशें होने वाली हैं, लेकिन इस सब में बारिश के पानी से मुतल्लक साइंस बहुत कुछ कहती है, जिस पर हो सकता है सुनकर आपको भी परेशानी हो। हमारी इस वीडियो में इस खबर के हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बरवक़्त मिलती रहें। फ्रेंड्स, साइंस ने बारिश के पानी से मुतल्लक दिलचस्प इंकशाफ किया है। इस मालूमती इंकशाफ से न सिर्फ सार्फिन को भी हैरत हुई, बल्कि एहतियात का एक मौका भी मिला है। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के पानी में कीड़े मकोड़े तो मौजूद होते ही हैं, मगर साथ ही जरासीम भी मौजूद होते हैं। अगरचे बारिश का पानी कई तरीकों से कारामद हो सकता है, चाहे छत साफ करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, मगर इस पानी को पीने से सेहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। बारिश के पानी में जरासीम, वायरसेस, दीगर इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें और केमिकल मौजूद हो सकता है, जो कि अनजाने में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस साल में शहर का मौसम भी काफ़ी असरअंदाज हो सकता है, जैसा कि अगर आपके शहर में आंधी, धूल, मिट्टी की सूरत हाल है तो ये बारिश को ज़मीन पर आने से पहले ही नुकसानदा बना सकती है। दूसरी जानब आपके घर, छत, ज़मीन पर मौजूद केमिकल जरासीम इस पानी को मज़ीद ख़तरनाक बना सकते हैं। अगर छतों पर मौजूद बारिश के पानी में बच्चे और बड़े नहा भी रहे होते हैं और वही पानी मुँह में जाने की शिकायत भी करते हैं, इसलिए साइंस की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि अगर आपका मदाफती निज़ाम बहुत कमज़ोर है तो आपको बारिश में नहाते हुए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये एक छोटी सी मालूमत वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की मालूमत वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्लोबल स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बरवक़्त मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।